मतलब जो स्टैचू है ये इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया है। तो गाइस जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ मैं, यहाँ से निकलते हैं सीधा आदि होगी। चलिए आज मिलता हूँ मैं बाइक पे। तो गाइस अब जाके यार पहुँचने वाले हैं भाई, बहुत दूर हमने होटल ले लिया भाई, बहुत दूर होटल ले लिया भाई हम लोगों ने, बहुत टाइम लग गया है पाने में। हमारे होटल से यार ये था, हम लोग होटल से 32 किलोमीटर दूर था, 32 किलोमीटर दूर था, 32 किलोमीटर। ये रहा अपना शिवलिंग सामने, वाव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या जिनको ना मालूम हो उनके लिए मैं बता दूं, मैं महादेव का भक्त हूँ जन्मी वाला, वो नहीं कि कभी था कभी नहीं, हमेशा वाला था वो महादेव का भक्त हूँ भाई मैं। इसलिए महादेव के ऊपर कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ता, कुछ भी हो मैं कुछ नहीं छोड़ता भाई महादेव का। ओके 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 ओके। 10 रुपीस यूपी। गैस यहाँ पे आपको 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा पार्किंग के लिए। इस टाइम खाली है ना, इस टाइम तो फ्री है ना, खाली है ना इस टाइम तो एरिया, मतलब क्राउड नहीं है इस टाइम पे ना, ज़्यादा नहीं है ना। चलते हैं बाइक पार्क करते फिर आपसे मिलते हैं महादेव के पास में। तो गाइस फाइनली यार इतनी मेहनत करने के बाद मेरा मेन था कन्याकुमारी में घूमना ही था, बट मेरा मेन था अपना आदि योगी कोयम्बटूर। हाँ, और फाइनली मैं कोयम्बटूर में पहुँच ही गया। मेरे सामने आप देखिए ये है आदि योगी की स्टैचू, और इसको बनवाया था गाइस ईशा फाउंडेशन ने यहाँ पे। यार इसको मैं बहुत देखा था वीडियोस में, रील्स में, हर जगह इसको मैं बहुत देखा था, बट इन रियलिटी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और इसका 360 व्यू दिखाएं आपको, तो ये कुछ इसका 360 व्यू। फाइनली यार आदि योगी शिवा स्टैचू पहुंच गया यार। और सामने ही देख रहे हैं आप ये जो लगा हुआ है, ये ईशा फाउंडेशन का स्लोगन है सेफ सॉइल। गाइस जो ये शिवा का स्टैचू है ये अपना है 112 फीट का स्टैचू गाइस ये, और इसको बनवाया था ईशा फाउंडेशन ने। और यार इस मतलब जो स्टैचू है ये इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया है, द लार्जेस्ट गोस्ट स्कल्पचर का, मतलब कि सबसे ऊंची भगवान की मूर्ति का इसने रिकॉर्ड बनाया है। आगे इसका आई थिंक शिवजी की एक मूर्ति भी है। हाँ, आगे इसके शिवजी की कंप्लीट मूर्ति है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है वो हो तो मैं वो भी आपको दिखाता। अभी मेरे को कुछ सब्सक्राइबर मिले थे मेरे को, जो मेरा केदारनाथ ब्लॉग देखे थे, और उस टाइम मेरे को ध्यान आया नहीं कि मैं उनको ब्लॉग में ले लूँ, बंदे चले गए। चलिए ऐसे आप लोग मिलते रहेंगे भाई साहब। भाई बंदे आके बोले बिग फैन यार, मैं तो इम्प्रेस हो गया एकदम पूरी तरीके वाला। चलो कोई नहीं, अभी तो धीरे धीरे अगर आप लोग ऐसे प्यार देते रहेंगे तो हम ऐसे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं वो वाला जिसका है शिवजी की कंप्लीट मूर्ति, आई थिंक उस तरफ कहीं ना कहीं है वो, उसको अपने ढूंढना पड़ेगा, उधर ही कहीं है। चलिए चलते हैं शिवजी की उस वाली मूर्ति पर, वो दिखाते हैं आपको। वैसे अभी एक नई बार चली है,
यहाँ पे होने वाला है लाइट शो। मतलब मैं सोचा था कि लाइट शो होता है सिर्फ शिवरात्रि पे, पर नहीं यार, यहाँ पे नॉर्मली लाइट शो होने वाला है। अब इसे लाइट शो होगा ना तो वो दिखाएंगे आपको, उसमें तो मतलब गाइस एक अलग ही दिखता है एकदम, ये लाइट शो दिखाएंगे आपको। चलिए वेट करते हैं, शाम होने का 7 बजे होगा। और अभी टाइमिंग हो रही है, टाइम हो रहा है यार अभी 5:15 हो रहा है, 5 से 6, 6 से 7, मतलब 1 घंटा 45 मिनट है अपने पास अभी तक। तो वेट करते हैं, लाइट शो होता है वो दिखाते हैं आपको मेन चीज़ एकदम। गाइस अपने को जो शिव जी की मूर्ति थी कंप्लीट मूर्ति वो अपने को मिल गई है सामने।